विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, मगर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। सूत्रों ने बताया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर विस्तार से फैसला किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो फॉर्मूला दिया था उस पर बात नहीं बनी है। केजरीवाल 30 सितंबर तक सीट बंटवारा चाहते थे। दरअसल विपक्षी दल भले ही एक गठबंधन के नीचे एक साथ आ गए हैं, मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारा ही है। हर दल की एक ही ख्वाहिश है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस का इरादा है कि वह इस गठबंधन का नेतृत्व करे, इसलिए वह उन राज्यों में ज्यादा सीटें देने को इच्छुक नजर नहीं आ रही है जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस ने पहले ही इस बात की ओर इशारा किया था, वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर बात करेगी। बता दें, देश के 5 राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन 5 विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के दलों का जैसा प्रदर्शन होगा उसके आधार पर ही उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए सीटें दी जाएंगी। जिस पार्टी के यहाँ ज्यादा सीटें मिलेंगी उसे ही लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटें दी जाएंगी। उधर कांग्रेस चाहती है कि उससे सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस इस बात का इशारा कर चुकी है कि वह 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी दल नहीं चाहते कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दी जाएं। उन्हें लगता है अगर कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी।